न्यूज़ वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आज कड़े मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन को पेनल्टी शूट आउट में हरा दिया और पेरिस ओलंपिक 2024 के सेमीफाइनल में जगह बना ली। भारत को ये जीत तब मिली जब वह 10 खिलाड़ियों के साथ ही खेल रहे थे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो कार्यक्रम के शुभारंभ में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पर्यटन की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि यह कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला सेक्टर है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद के रुदौली विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि योगी सरकार ने तराई क्षेत्र के किसानों को तोहफा दिया है, जहां 2 दशक पुराने किसानों की मांगों को पूरी करते हुए सरकार के फैसले से अब सरयू के तटवर्ती 24 गांवों में बसने वाले किसानों की 60,000 एकड़ फसलें जलमग्न नहीं होगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में सदर थाना अध्यक्ष और 6 पुलिस कर्मियों की टेंशन बढ़ गई है। उनके विरुद्ध कोर्ट में परिवाद दायर की गई है। कोर्ट में 19 अगस्त को इस पर सुनवाई होगी। दरअसल पुलिस कर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने एक बाइक सवार से रात में अवैध तरीके से 10,000 रुपए की मांग की थी, नहीं देने पर बाइक सवार को जमकर पीटा गया था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा चुनाव प्रचार के दौरान सोहना में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सत्ता आती है तो दिल्ली के तरह ही यहाँ भी बिजली फ्री होंगे और मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे। वहीं सुनीता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल स्थिर है, वह ना टूटेंगे और ना ही झुकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चंडीगढ़ के मनीमाजरा में 24 घंटे जलापूर्ति परियोजना का लोकार्पण किया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को विपक्ष में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि 2029 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। गढ़वाल राइफल के हवलदार सतेज सिंह बिष्ट के बलिदान पर सैकड़ों लोगों ने नम आंखों के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। जहां रविवार को सुबह एम्स ऋषिकेश की मोर्चरी से बलिदानी का पार्थिव शरीर उनके निवास कोटी खुरवार लाया गया, जहां बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने बलिदानी की अंतिम यात्रा पर पुष्प वर्षा की और यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। और जैसे ही आपके लाइक कमेंट आते हैं हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स ने IMF की रिपोर्ट के आधार पर दुनिया के सबसे कर्जदार देशों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें कर्जदार देशों की लिस्ट में जापान का नाम सबसे पहले स्थान पर है। वहीं दूसरे स्थान पर ग्रीस, तीसरे पर UK और चौथे स्थान पर लेबनान और स्पेन है। इसके बाद पांचवे स्थान पर अमेरिका का नाम आता है, जहां अमेरिका पर GDP का 110% कर्ज है। वहीं भारत ने GDP का 46% कर्ज ले रखा है। इसके साथ ही भारत इस लिस्ट में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला देश बनता जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार जल्दी ही वक्फ अधिनियम में बदलाव करने की तैयारी में है, जहां सरकार बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाएगी और महिलाओं का प्रतिनिधि बढ़ाएगी। इस विधेयक के तहत किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति कहने की इसकी और नियंत्रित शक्तियों में कटौती हो सकती है। विधेयक में वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधन प्रस्तावित किए जाने की संभावना है। वहीं खबर है कि संसद के इसी सत्र में यह विधेयक पेश किया जा सकता है। केरल के वायनाड जिले में आए भूस्खलन से अब तक 215 लोगों की मौत हो चुकी है, जहां सैकड़ों लोग अभी भी लापता है। इस प्राकृतिक आपदा को राहुल गांधी ने केंद्र से राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की, तो बीजेपी ने वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत ऐसी कोई नीति मौजूद नहीं है। राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जन कल्याण और समग्र विकास के लिए सभी संस्थानों का सुचारू संचालन बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र और राज्यों के बीच कड़ी का काम करते हैं राज्यपाल। पूर्व PM देवेगौड़ा ने दिल्ली मेट्रो की सवारी, प्रधानमंत्री संग्रहालय का भी किया दौरा।
केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल का संसद में पेश होने से पहले ही विरोध शुरू हो गया है, जहां कांग्रेस ने इससे कई खतरे गिनाते हुए विपक्षी दलों से इसके विरोध का आह्वान किया। कांग्रेस ने कहा है कि बिल के जरिए सरकार वैकल्पिक डिजिटल मीडिया की स्वतंत्रता को खत्म करना चाहती है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया, जहां तिरुमला एक्सप्रेस की चार बोगियों में आग लगने की घटना सामने आई। हालांकि ट्रेन के डब्बे खाली थे, कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कर्मचारियों पेंशनरों को आश्वासन दिया और कहा कि 30 जून 2023 को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन घटना के लिए 1 जुलाई 2023 से एक काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। बाल झड़ने से परेशान हैं तो नींबू, संतरे, मौसमी जैसे फलों का ज्यादा सेवन करें। इन फलों में विटामिन सी पाया जाता है, जो कोलाजेन बनाने में मदद करता है। कोलाजेन बालों को मजबूत बनाने और जल्दी बढ़ने में मदद करता है, इसलिए इन फलों को अपने डाइट में जरूर शामिल करें। कोलकाता हाईकोर्ट में लेबर डिवीजन क्लर्क के 291 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार कल से 26 अगस्त तक ऑफिशियल वेबसाइट kolkatahaicourt.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। झारखंड सरकार ने टीचरों का हुआ बड़ा उलटफेर, जहां 665 प्राइमरी टीचरों का किया गया अंतर जिला ट्रांसफर। हिमाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है और 40 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं राज्य और केंद्र सरकार की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान पर एनसीपी शरद पवार के सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि यह बड़ी दुख की बात है, क्योंकि हमारी लड़ाई निजी नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आपने बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट करके साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।